वो हेलो एवरीवन दिस रिविविविचंद्र यू पी सी सी एस सी वेलकमिंग यू ऑल ऑन समर्थ है इस जुडिशियरी एंड एयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द टैगलाइन ऑफ दिस चैनल लुक इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी को कंटिन्यू करेंगे बीच में मैंने डी पी सी के वीडियोज़ काफी सारे बना दिए उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दो हज़ार को जो मैं वीडियोज कंटिन्यू कर रहा था खैर आज स्टार्ट करेंगे पार्ट सिक्स में कंटिन्यू करेंगे फाइव पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके का तो यू कैन आस्क मी यू कैन आस्क एनी एनी काइंड ऑफ डाउट कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा किसी भी टॉपिक से टी से चाहे आई हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो इंडस्ट्रियल हो या फिर आपको जो भी लगता है आप उसे यू कैन जस्ट आस्क मी इसके जस्ट खत्म होने को आ, के बाद क्रिमिनोलॉजी के वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा सो डोंट वरी जिनके भी क्रिमिनोलॉजी है ऑप्शनल पेपर के लिए उनको चिंता करने की जरूरत है नहीं ठीक है सो ऑप्सैनिटी एंड पॉर्नोग्राफी को आज कॉन्टिन्यू करेंगे आज समझेंगे किस जब क्रिमिनल लाइब्रिलिटी मैंने आपको यूनिट थर्ड में पढ़ाई थी देन आई सेड कि कुछ टॉपिक इसके रह गए हैं जो बाद में डील करेंगे वो बाद की बात मैं अभी की कर रहा था कि ऑप्शेनिटी एंड पोर्नोग्राफी आज बात करेंगे अभी के वीडियोज में अगर आप सुबह देख रहे हो तो आपको ऑप्शनिटी एंड पोर्नोग्राफी का वीडियो मिल जाएगा इन द इवनिंग आपको साइबर स्टॉकिंग हैकिंग साइबर टेरिज्म इन तीनों के ऊपर वीडियोज एक साथ ही मिल जाएंगे एंड देन आफ्टर मेरे पास सिर्फ दो वीडियोज बचेंगे उसको जल्दी ही खत्म करके आई को फिनिश कर देंगे ठीक है तो सेक्शन सिक्सटी सिक्स ई सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन ए सिक्सटी सेवन बी को आज बात करेंगे एट द एंड ऑफ द डे एंड सेक्शन 292 नाइन्टी टू ऑफ आई पी सी एंड फाइव ऑफ द आई आप सबको पता होगा मोडेस्टी ऑफ वीमन आप सबको पता होगा आउटरेज ऑफ जिसको हम बोलते हैं कई सारे केसेस की हम बात करेंगे तो ठीक है दिस इज इसमें जोडिशियर एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं एंड प्लीज़ यार प्लीज़ इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल इक्यावन परसेंट लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया जो मेरे वीडियोस देखते हैं प्लीज डोंट डू दिस विद मी यार प्लीज डोंट डू दिस सब्सक्राइब करिए चैनल को देर इज नथिंग आपका कुछ लॉस नहीं होता जब आप सब्सक्राइब करते हैं जैस सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन शेयर करिए लोगों से अगर अच्छा लगता है कंटेंट को आपका लव ही सब कुछ है हमारे लिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज जैसे मैंने आपको बोला पहले वीडियोज में मैंने आपको काफ़ी हद तक समझाया था सारे कॉन्सेप्ट को सो so, आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाते हैं देखिए साइबर सिक्योरिटी की लास्ट uh, में मैंने बात करी थी आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बात को समझना दैट इज ऑप्सनिटी एंड पोर्नोग्राफी इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज ठीक है वेट अब ये होता क्या है सबसे पहले तो इसी मुद्दे को समझेंगे आप जब अपनी यूनिट को समझोगे जब आप एक आईटी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तो यू आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट द सर्कम इन विच एंड द वर्ल्ड इन विच वी ऑल आर लिविंग आप सबको पता है कि आज की दुनिया में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है सो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर मी टू यू नो टू गिव अड ऑफ इनपुट टू ऑल द पीपल जो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है जब हम बार बार ऑफ कह रहे हैं तो ऑफसेनिटी का मतलब क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है फिर पोर्नोग्राफी का क्या मतलब होता है इंक्लूडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्पेशल अमेंडमेंट करी गई 2008 में उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था सेक्शन सिक्सटी सेवन बी में हम बात करेंगे तो जब हम ऑफ की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना मैं चाहूँगा आपके जो पेपर में सवाल आया हुआ है उस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे कहता है जब आप पेपर पढ़ोगे प्रीवियस ईयर तो उसमें एक सवाल लिखा हुआ है कि सेक्शन से, सेक्शन सिक्सटी सेवन जिसकी हम आज बात करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड प्रोविट्स पब्लिसिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ सीन इन्फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ठीक है इस बात को समझेंगे अभी कैन द एक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑन अ वेबसाइट ऑफ अ वेबसाइट डिपिक्टिंग मदर ट्रेसा मदर सॉरी नॉट मदर ट्रेसा मदर इंडिया इन अ न्यूड फॉर्म विथ टीयर्स इन द आईज विल फॉल अंडर द दिन सेवन और नॉट क्या भारत माता के नाम पे एक तस्वीर या फिर उनकी एक तस्वीर बिल्कुल न्यूड फॉर्म में अगर एक वेबसाइट पे अवेलेबल है तो क्या उसको हम सेक्शन सेक्शन सिक्सटी सेवन ऑफ आई एक्ट के अंदर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते अभी मैं बताऊंगा सेक्शन सिक्सटी सेवन होता क्या है दूसरा सवाल कहता है कि ये जो ऑप्शनिटी है इसका कॉन्सेप्ट जो आई के सेक्शन है से, टू और आई का जो सेक्शन है सिक्सटी इसके बीच में अलग कैसे है उसको समझेंगे सेम पिक्चर सेम सवाल ऐसा और भी आया हुआ है एक और सवाल है कि कोई एक मान लीजिए बहुत ही एजुकेटेड और बहुत अच्छी रेप्यूटेड टीचर हैं प्रोफेसर हैं और एक डाइवोर्सी है मान लीजिए और उन, उनको सडनली मैसेज आना स्टार्ट हो जाए जस्ट कम बिथ मी स्लीप बिथ मी मेरे साथ वेड पे आओ पे यू एंड ऑल एंड ऑल सो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को समझिए और आपको जब रियलाइज होता है कि समथिंग इज़ गोइंग वेरी रॉन्ग बिथ यू कुछ कुछ लोगों ने आपके साइबर आपके साथ साइबर क्राइम कराया है आपके यू नो कंप्यूटर को हैक करके ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हाउ यू डू फील तो ये सारी चीज़ों ई वगैरह के थ्रू जो आता है कि इसको कैसे डील करेंगे इसमें क्या हुई ऑप्शन आपके किस फोटो को ऑप्शनिटी कह सकते हैं हम ठीक है ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आए हुए हैं को पेपर देखोगे आप तो उसमें आया हुआ है सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ऑप्शनिटी के मतलब को समझिए देखिए आप एज अ लॉयर सोचिए ऑप्शनिटी की पूरी दुनिया में कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर मैं कुछ ऐसा एक्ट आपको बोल दूं या फिर कुछ ऐसे शब्द मैं आपको कह दूं या फिर ऐसा कुछ मैं आपको दिखाऊं इट विल बी काइंड ऑफ ऑप्शन फॉर यू में भी आपके लिए हो सकता है किसी और के लिए नहीं हो सकता है तो ऑप्शेनिटी इट्स ब्रॉडेस्ट टर्म अगर हम ब्रॉडेस्ट टर्म की बात करें बहुत बड़े लेवल पे तो देर इज नाथिंग ऑप्शनिटी कैन भी एनीथिंग टोटली मैं बोलूँ तो कुछ भी हो सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है सो तो ऑप्शेनिटी पे कभी भी एक मुद्दा बन नहीं पाया लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट कुछ भी चाहे वो फोटो हो पिक्चर हो डिफिक्शन हो कुछ भी हो एनी थिंग दैट करप्ट डिप्रेप्स यूर माइंड अब इसका क्या मीनिंग होता है इसकी बात अभी करेंगे आपके पेपर में आए हुए एक सवाल के क्वेश्चन मतलब उस सवाल के आंसर में एंड अपील्स टू द प्ररियंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और अगेंस्ट सोशल मोरल स्टैंडर्ड देखिए एक बात समझाता हूँ मैं जो आगे डीप डीप में जब डिस्कस करूँगा उसकी बातों को मैं अभी बताता हूँ आपको जब मैंने ऑप्शनिटी और पोर्नोग्राफी का जब ये सेक्शन पढ़ा था तो मैंने इसको गूगल करा गूगल करने पे मुझे पता चला प्रोरियट इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है देखिए पुरियंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी कहने का मतलब कि एक समाज में जहां आप रहते हो जिन भी लोगों के बीच रहते हो देर इज अ मोरल स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि इस चीज तक मोरालिटी को हम क्या मानेंगे कि सही अच्छी चीज है मॉरली ओके okay है जैसे ही उस, उस एक स्टैंडर्ड उस पार को आप क्रॉस करते हो इट इज समथिंग दैट इज सोशली अनएक्सेप्टेबल हो जाती है वो चीज फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी जब आपस में हक करके चल रहे हैं इट्स ओके फाइन देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस एक समाज के पर्सपेक्टिव से एक समाज के आईने से देखिए अलग अलग तबके के लोग होते हैं अलग अलग तजुर्बे के लोग होते हैं पर वही पति पत्नी जब एक कॉमन ग्राउंड में एक तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं लेट से मतलब लाइक किसिंग ईच अदर एंड समथिंग तो इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट एज मच दैट स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी यू नो इन In इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया की एक पस्पेक्टिव से बात करें मे बी फॉरन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अमेरिका में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी जर्मनी फ्रांस में कोई को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती पर इन इंडिया इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू तो कंट्री कंट्रीवाइज डिपेंड करता है तो प्रूरियंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी क्या होता है कि कोई भी ऐसी एलिमेंट कोई भी ऐसी कंडीशन जो समाज के कुछ एक लोगों के बीच में अभी इस चीज को और समझेंगे एक ऐसी अवस्था को जनरेट करती है ऐसी सिचुएशन को जेनरेट करती है जो सेक्सुअली बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट होता है प्रूरियंट का शुद्ध हिंदी बताऊं कामुक का अवस्था बोलते हैं उसको मतलब यू कैन नॉट स्टॉप यूर सेल्फ एट दैट मोमेंट यू विल हैव टू गो थ्रू अ सेक्सुअल एक्टिविटी राइट नाउ आपके अंदर वो सेक्सुअल डिजायर एकदम से जनरेट हो जाती हैं आप उसको रोक नहीं सकते डिप्रेस और करप्ट करप्टूर माइंड आपकी माइंड को इतना वर, वर, व, उसको बोलते हैं ना भ्रष्ट कर देता है उसको इतने इस लेवल पे ले जाके खोखला कर देता है नीचा कर देता है कि यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द राइट एंड रॉन्ग एट दैट मोमेंट तो ऑफ को उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है समथिंग दैट वायलेट्स फंडामेंटल स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी। एक डिसेंसी एक लेवल होता है डिकोरम होता है उसको क्रॉस नहीं कर सकते पब्लिक मोरालिटी का स्टैंडर्ड होता है विच इज ऑफेंसिव टू मोडेस्टी और स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का है लास्ट वाला सुप्रीम कोर्ट कास का, का जजमेंट अभी मैं बताऊंगा तो यह सारी चीजें ऑफेनिटी के कॉन्टेक्ट में बात करते हैं अपन ठीक है आगे चलते हैं आगे समझते हैं मुद्दे को और थोड़ा सा डिटेल में अब देखिए ये कहां से आ गया हाँ सेक्शन टू सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्शन टू नाइनटी टू की हम बात करेंगे आईपीसी की सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है पहले सेक्शन टू नाइनटी टू को समझना उसके बाद हम आर डी उदेशी वर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को समझेंगे तो सेक्शन टू नाइनटी टू जो टू नाइन फोर जब आई पी सी को देखिएगा तो उसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि सेल एंड ई टी सी ऑफ ऑफ सीन बुक्स ई टी सी कुछ किताबें कुछ पैंपलेट कुछ पब्लिकेशंस देखिए आई पी सी अठारह सौ साठ में बनी थी और ये टू टू नाइनटी टू है ओरिजिनल वाले में अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं तो उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का कोई बात था नहीं तो आई की जब हम एक्ट की बात करेंगे सेक्शन सिक्सटी की तो हम उस केस में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करेंगे अभी जब हम आई की बात कर रहे हैं कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ और सिर्फ एक बुक बुक इस लैंग्वेज में बात करें कि किताब यू नो समथिंग लाइक पैम्पलेट हो सकता है मैगजीन हो सकता है समथिंग दैट इज़ नॉट डिजिटल इन नेचर उसको आईपीसी के इस सेक्शन में डील करते हैं कोई भी ऐसा बुक पैम्पलेट पेपर राइटिंग ड्राॅइंग पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट सेल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन उसको ऑब्सीन कहेंगे कब इफ इट इज लेसिवियस और अपील्स टू द प्रूरियंट इंटरेस्ट इस चीज को समझेगा अभी हाईलाइटेड पार्ट को इफ और इट इफेक्ट्स और वेर वेर इट कंप्राइज़ टू और मोर डिस्टिट टर्म्स द इफेक्ट ऑफ एनी ऑफ द आइटम्स इफ टेकन एज अ होल सच एज टू टेंट टू डिप्रेव एंड करप्ट पीपल्स और पर्सन हू आर लाइकली हैविंग रिगार्ड टू ऑल रिल सर्कमस्टेस टू रीड सी और हियर द मैटर कंटेंट और रिबॉडी बात को समझिए ऐसे समझाता हूं कोई भी ऐसा पैंपलेट पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन फिगर जो एक तरीके की लेसिवियस नेचर का है लेसिवियस मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी सेक्सुअल सेक्सुअली नो कंटेंट एलिमेंट आई वूड से जब मैं वजन दे रहा हूँ इस बात पे तो आप समझ जाइए कि एक नॉर्मल सेक्सुअल एलिमेंट की बात कर सकते हैं like, लाइक uh, कुछ भी हम ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर उस पर प्रेशर दे के आप लाइक आपके माइंड की स्थिति इतनी खराब हो जाती है उस चीज के बाद कि नहीं यार दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी लेसिवियस दैट इज वेरी वेरी प्रूरियंट मतलब बिल्कुल कामुक बोलते हैं उस चीज़ को शुद्ध हिंदी में ऐसी स्थिति जनरेट हो जाती है उस इमेज को देखने के बाद इस पर सवाल आया हुआ आपके पेपर में उसको बोलते हैं ऑफ सीन बोल सकते हैं उस चीज़ को उसके बाद नीचे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल के लिए ठीक है उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है कि दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी बुक पैम्पलेट पेपर राइटिंग जो कि यू नो पब्लिक नेचर में ऐसा नहीं हो लेट्स बोनाफाइड और रिलीजियस पर्पजे के लिए यूज हुआ हो कुछ एंशियंट पेंटिंग्स हैं कुछ एंशियंट साइट्स वगैरह के लिए यूज हुआ है समथिंग दैट इज़ यू नो आइडल्स वगैरह में यूज हुआ है तो उस चीज़ के लिए हम बात नहीं करेंगे सेक्शन 293 सेल इट सी ऑफ ऑफिस ऑब्जेक्ट टू यंग एंकन सेक्शन टू नाइन फोर ऐसे ही है तो मुद्दा मेरा ये था कि 292 जब आईपीसी बनाई गई थी तो उसमें लेसिबियस और समथिंग दैट इज प्रोड्यूट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के नेचर से देखा जाए उसको ऑफसीन बोलते हैं जो डिजिटल फॉर्म में नहीं है ये बातें समझ में आ गई आपको इस चीज को बाद में चेंज किया गया बाद में कैसे चेंज किया गया अभी आएंगे उसके ऊपर देखिए अब एक एक्जैक्टली exactly मतलब मेरे बार बार मैं जब आपसे लेसीवियस कह रहा हूँ प्रोडियंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और ये आपके सवाल में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं अभी जो मैं आपको दो मिनट दो से तीन मिनट बताने वाला हूँ उसके बारे में सुनिएगा हुआ क्या था कुछ टेस्ट मेजर किए गए कुछ टेस्ट लेट डाउन रखे गए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन किए गए दुनिया में पूरी दुनिया में जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि लेसीवियस है कि नहीं है प्रोडियंट का क्या मतलब होता है एक बहुत फेमस टेस्ट है हल्लीन टेस्ट यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट ने ऑर्डर दिया था रे, रेजीना भर से हिकलीन या रेगीना जो भी पड़ी इसको रेजीना भर से हिकलीन का एक केस था उसमें वहां की कोर्ट ने कहा यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट ने बरसों पहले दैट द टेस्ट ऑफ ऑप्शनिटी जब हम ऑप्शनिटी की बात करेंगे उसका टेस्ट का मेजरमेंट क्या होगा कहता है बेदर द टेंडेंसी ऑफ द मैटर चार्ज्ड एज ऑप्सैनिटीज टू डिप्रेब एंड दोज होज माइंड्स आर ओपन टू सच इमोरल इन्फ्लुएंसेज एंड इन टू होज हैंड्स पब्लिकेशन ऑफ दिस शॉर्ट में फॉल बात को समझिए हिंदी में इंग्रेजी आपको ध्यान रखना है हिकलिन टेस्ट में क्या कहा कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट ने कि किसी भी चीज़ को ऑप्शीन तब कह सकते हैं किसी भी चीज़ को ऑप्शिन तब कह सकते हैं या किसी भी पब्लिकेशन को किसी भी रीडिंग को राइटिंग को जो भी कहिए उसको तब कह सकते हैं ऑप्शी जब उसके उसका जो इम्पैक्ट होगा समाज के या फिर एक सोसाइटी के सबसे जो वो तबके हैं जैसे बच्चे हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए या फिर सबसे सबसे जो नहीं बोलते कि बच्चे जिनको देखते ही अजीब तरीके की फीलिंग जनरेट हो सकती है उन पे अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है उस पूरे पब्लिकेशन का अगर एक छोटा सा क्लिप भी एक छोटा सा पार्ट भी तब भी उसको ऑप्सीन बोलेंगे दो घंटे की मूवी ने अगर दो सेकंड की एक ऐसी ऑब्जेक्ट उसमें दिखा दी जो बच्च, किसी भी समाज के सबसे छोटे छोटे जो बोल रहा हो ना सबसे यू नो वैसे लोग जिनके ऊपर जिनका माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है उनको अगर इंपैक्ट करता है तो वॉपसीन हो जाएगा ये बात रंजीत रेड डी उदयसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मान ली थी दैट ऑप्सनिटी विदाउट अ प्रिपॉन्डरिंग सोशल पर्पसेज और प्रॉफिट कैन नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड ऑप्सैनिटीज ट्रीटिंग सेक्स इन अ मैनर अपीलिंग टू द करनाल साइड करनाल मतलब वो एक बिल्कुल कामुक अवस्था बोलते हैं किसी भी ह्यूमन बींग की ऑफ ह्यूमन नेचर विच हैज टू भी डिटर्माइंड फ्रॉम केस टू केस बेसिस इन्होंने बोला कि कोई भी आइसोलेटेड पैसेज किसी भी पब्लिकेशन का और बहुत ही ज्यादा हाईली ससेप्टिबल पर्सन जो होते हैं उनको अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो वो ऑप्शीन होगा देखिए हमारे ह्यूमन बींग्स में एक जो होता है ना एक लेवल होता है कि एक नॉर्मल लेवल ऑफ सेक्सुअल डिजायर सबके अंदर होता है उस चीज से थोड़े ऊपर हो सकते हैं कुछ लोग और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड ऑलवेज थिंक्स अबाउट इट तो वो बहुत ही ज्यादा हाईली ससेप्टेबल नेचर के हो जाते हैं अगर उनको इंपैक्ट कर रहा है कुछ भी एक छोटा सा पोर्शन तो बोलेंगे ऐसे हिकलिन टेस्ट के अकॉर्डिंगली जिसको रंजीत डिवर्सिस्ट तो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ओके करा था ठीक है दूसरा टेस्ट क्या आता है दूसरा टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट बाद में क्या हुआ कई वर्षों बाद ऐसा ही एक केस हुआ रोथ वर्ष यूएसए के केस में तो उसमें यूएसए में जो कोर्ट थी उसने इसके उसमें जो यूनाइटेड स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने हिकलिन टेस्ट के मुद्दे को माना नहीं उन्होंने बोला ये क्या बात हुई यार कि अगर आप एक छोटे से क्लिप से समाज के सबसे से सेक्सुअली एक्टिवेटेड लोगों के को भी इंपैक्ट कर ले बच्चे हैं मान लो या फिर 10-15 साल के बच्चे जिनके अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस एकदम से होते हैं हार्मोनल चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस होते हैं उनको सब ज़्यादा इंपैक्ट होगा तो वो 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 यू नो ऑफसीन हो जाएगा और आईपीसी तो कहता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो लेसीबियस है जो उसको आप शेयर कर रहे हो और कोई भी इंसान जो उसको पढ़ सकता है देख सकता है सुन सकता है तो उसको बोलेंगे ऑफ सीन तो रोथ वर्ष यूएसए के, के केस में वहां की यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेदर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं कोर्ट ने कहा थोड़ा सा एक्सचेंज करने की जरूरत है हलिन टेस्ट है दीवार कर रहा हिन टेस्ट डिफरेंट व्यू दिया कि बेदर टू एवरेज पर्सन ऑफ अ सोसाइटी अप्लाइंग कंटेम्प्ररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स द dominant थीम ऑफ द material टेकन एज अ होल अपील्स टू prurient इंटरेस्ट इस बात को समझिए हम यहाँ पे यह नहीं देखेंगे कि उस पूरे क्लिप की या फिर उस पूरे मूवी की पूरे पब्लिकेशन का पूरे बड़े मैगजीन का एक छोटा सा क्लिप समाज के उन हाईली सेंसिटिव लोगों पे इम्पैक्ट कर रहा है तो वो ऑफ्सिन होगा बल्कि हम ये देखेंगे कि उस पूरे यू नो पब्लिकेशन का डोमिनेंट थीम क्या है वट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग बियंड वट इज द रेशनल थीम क्या है मतलब वो कहना क्या चाह रहा है वो देखेंगे पहली चीज और दूसरा ये हाईली सेंसिटिव लोगों की बात नहीं करते बात हम करेंगे एवरेज लोगों की एवरेज लोग जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग रिएक्ट करता है कहने का मतलब कि एक नेशनल लेवल पे एक तरीके का लेवल नेशनल लेवल पे एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि इस चीज को मोरल मानेंगे इस चीज को मोरल नहीं मानेंगे इस बात को ऑप्शन मानेंगे इस चीज को ऑप्शन नहीं मानेंगे इस पब्लिकेशन को ऑप्शन मानेंगे मतलब एक कम्युनिटी ने ओवरऑल अपने आप में एग्रीमेंट करके अपने आप में एक बातें मानकर सलाह मशवरा करके एक पार सेट किया है कि इससे ऊपर जाएगा तो एक एवरेज पर्सन के जो माइंड है उसको इंपेक्ट करेगा चाहे वो किसी भी एज का हो सकता है तो कम्युनिटी यू नो कंटेपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं दूसरा टेस्ट का क्या नाम है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट कि एक कम्युनिटी के स्टैंडर्ड से के देखिए पूरी समाज के अलग अलग तबकों को एवरेज निकाल कर देखिए अलग अलग लोग हैं साठ साल पंद्रह साल बीस साल उनके एवरेज माइंड को रीडिंग करके देखिए कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं अगर उसका डोमिनेंट थीम है तो ती, तीसरा टेस्ट क्या था मिलर टेस्ट मिलर टेस्ट उससे ज्यादा अच्छा एडवांस फॉर्म आया मिलर वर्स कैलिफोर्निया के केस में इन्होंने भी सेम चीज कहा कि वर्क टेकन एज अ होल पूरे के पूरे डोमिनेंट थीम को समझेंगे पूरा का पूरा पब्लिकेशन को एक नजरिए से देखिए उसके बाद ये देखिए कि उस उसका इंपैक्ट ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ कॉमन सेंसेस के ऊपर क्या हो रहा है ऑर्डिनरी पर्सन ऑफ कॉमन सेंसेज मतलब एकदम एक से नॉर्मल ह्यूमन बींग के एकदम बिल्कुल नॉर्मल से भी नॉर्मल ह्यूमन बींग के से उस चीज को सोच कर देखिए उसके ऊपर इंपैक्ट क्या हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ये बात हुई बाद में उसमें एक और बात जो ऐड करी गई वो बात बहुत इंटरेस्टिंग थी वो बात क्या हुआ लोकल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिपिक्शन की बात करेंगे हम एक नेशनल लेवल की बात नहीं करेंगे नेशनल स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग, अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग यू नो कम्युनिटीज में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके के तबके के लोगों के बीच एक अपना स्टैंडर्ड होता है कि इस चीज़ को मोरल बोलेंगे इस चीज़ को डिसेंट बोलेंगे इस चीज़ को डिसेंसी नहीं बोलेंगे अगर उसको क्रॉस करेंगे तो हम बोलेंगे ऑप्शन हो सकता है पर ऑर्डिनरी पर्सन के केस में बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हमारे लिए पचास साल के ह्यूमन बींग है और अपने सोसाइटी में आपने उस तरीके से एक सेट किया हुआ है ठीक है आपस में सलामस वा करके लोकल लेवल पे नॉट एज ए नेशनल लेवल पे तो उसको बोलेंगे मीलेट टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बात हुई ऑप्शनिटी लेसिवियस और पुरूंट के मतलब को चेक करने का ये तीन फॉर्म ये तीनों फॉर्म आपके पेपर में आते हैं ये तीनों आपको पता होना चाहिए अच्छे से ठीक है अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर इंडिया में कौन सा केस चलता है अगर हम बात करें इंडिया में कौन सा केस चलता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ें देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूं कि दिस इज द थिंग जहां पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो एफ भी ट्विटर मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीचे भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी एंड दिस इज माय यूपीआई नंबर दिस इज द स्कैनर यू कैन शो योर सपोर्ट टू माय यूपीआई नंबर एंड स्कैनर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इट वुड भी हाईली अप्रिशिएबल बहुत लोग कहते हैं कोचिंग वगैरह की ऐसे पढ़ा दो वैसे पढ़ा दो यार देखो ऐसा है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ यू यू विल भी पेइंग डेफिनेटली मोर देन वट यू विल पे हेयर तो आपको जो उधर पे करना था उसका कुछ एक पार्ट इधर भी पे कर दोगे तो इट विल वेरी वेरी फॉर मी इतना बहुत है मेरे लिए क्योंकि माई चैनल इज नॉट मॉनिटाइज्ड इट डिस्पाइट आई एम डूइंग यू नो जितना मुझसे बन सकता है आई एम डूइंग माई बेस्ट कमिटमेंट करी थी आप लोगों से कि मैं वीडियोज़ बनाऊंगा सो आई एम डूइंग दिस सो इट्स योर टर्न टू सो योर सपोर्ट ओके खैर लेट इट बी आगे चलते हैं अब बात इंडिया में करते हैं इस कोर्ट जो केस की बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए पेपर में आ सकता है एक ऐसा ही केस हुआ था 2014 में वेस्ट बंगाल में आविक सर्वकार वर्ष स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बात को समझिए 2014 इस केस के पहले इंडिया में आईटी एक्ट आ चुका था उसमें अमेंडमेंट भी हो चुके थे 2008 में बहुत कुछ एडवांस हो चुका था तब भी तब भी हिकलिन टेस्ट ही इंडिया में अप्लाई होता था हर केस में जैसे रंजीत जो आपका केस मैंने बताया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस उसमें भी देखिए आपको बताया ना अभी हिकलिन टेस्ट वाले केस में उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था रंजीत देव उडेसी इसका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार रंजीत देव उडेसी का जो केस है ठीक है अब हुआ क्या दो हज़ार चौदह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पलट के रख दिया एकदम इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि उन्होंने बोला कि कंजर्वेटिवनेस को हटाना पड़ेगा अब कैसे आप बात को समझिए हुआ क्या था फैक्ट को समझिए बोरिस बेकर बहुत बड़े बहुत ही अच्छे टेनिस प्लेयर थे अपने ज़माने में बहुत गोरे चिट्टे बहुत ही मतलब उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बहुत ही गोरे चिट्टे लोग थे वो फिर बार बार फिल्टर्स एक ब्लैक वीमैन थी और जो रंग भेद की शिकार हो चुकी थी अब ये दोनों आपस में शादी करते हैं एंगेजमेंट करते हैं एंड दे पोज फॉर अ न्यूड फोटो कंप्लीटली न्यूड फोटो के लिए उन्होंने पोज करा और इनके पिताजी ने इनकी फोटो खींची थी बात ये एक जर्मनी के एक न्यूज़पेपर में छपी है मैगजीन में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ उन्होंने खुद ही दिया उन्होंने छपा कोई इशू नहीं था जर्मनी में इस चीज़ को कोई बोल नहीं सकता था कोई इशू है बात क्या होगा कि कुछ समय बाद उसको इंडिया का एक स्पोर्ट्स यू नो मैगजीन था जैसे बॉरिशेकर स्पोर्ट्स पर्सन थे ना तो स्पोर्ट्स वर्ल्ड करके एक मैगज़ीन आती थी आप सबने पढ़ी होगी अगर आपको याद होगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड में तो मतलब देखता था इस तरह की मुझे याद है बाद में कुछ और मैगजीन्स आ गए तो उसमें इन्होंने पब्लिश कर दिया सेम फोटो को बाद में आनंद बाजार पत्रिका थी वेस्ट बंगाल की उन्होंने भी पब्लिश कर दिया अब इसी से कुछ लोग आहत हो गए कोर्ट पहुंच गए सेक्शन 67 के अंदर सेक्शन 67 छोड़िए सेक्शन 292 नाइनटी टू ऑफ आई के अंदर क्योंकि ये सेक्शन टू सेक्शन 67 तो अप्लाई होगा नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो है नहीं ये ये तो डायरेक्ट यहाँ हो रहा है न्यूज़पेपर में आई थी तो आईपीसी अप्लाई होगा अभी मैंने आपको बताया टू नाइनटी टू वाला तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मुद्दा ये उठाया क्योंकि सर हिकलिन को फेल करता है इसलिए इसको ऑप्शन माना जाए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए बात ऐसा है कि वो समाना गया वो समय गया कि किसी भी फोटो को देखते ही आपके अंदर वो यू नो कामुक जो अवस्था बोलते हैं ना इंसान का ह्यूमन बींग का एक वो साइड पोर्शन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर का वो जनरेट हो जाएगा ये कहना सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उचित नहीं होगा आज के समय में उूट द वर्ल्ड हैज गॉन सो फार आफ्टर दि क्लीन टेस्ट प्रोनाउंसमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट आज के जमाने में समझना कि एक फोटो को उसके पीछे के नजरिए के हिसाब से सोच के देखिए कि आखिर वो फोटो क्यों लाई गई मार्केट में अब जब इनसे पूछा गया था ना बोरिस बेकर और बरबारा फिल्टर से तो उन्होंने बोला कि मुझे यह बताना है पूरी दुनिया को कि स्किन मैटर नहीं करता कलर मैटर नहीं करता रंगभेद की नीति कितनी खराब थी वो बताना था प्यार मैटर करता है लव मैटर करता, हेटेड नहीं एनिमिटी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारे मुद्दे हैं इस फोटो के पीछे और ये ये न्यूज़पेपर में इजीली अवेलेबल है जहां पे ये लिखा हुआ है कि जर्मनी में रेसिजम कितना है सारे मुद्दे कितने हैं उसके उसके बिहाफ में फोटो पब्लिश की गई है तो हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जस्ट बिकॉज सम फोटोज सम कुछ कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटी अगर इस तरीके के न्यूड फोटोग्राफ्स यू नो किसी और पर्पज से किसी अच्छे पर्पज से सोशल पर्पज से अगर उसको भेज रहे हैं अगर उनको उस चीज़ को यू नो खिंचवा रहे हैं तो उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि, कि एकदम से वो ऑफसीन हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का फॉर्मूला अप्लाया कि कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से सोच के देखिए एक एवरेज पर्सन जो उस चीज़ के माइंडसेट को समझेगा

फिलिक्स एम ए भर से पी वी पी वी गंगाधरन केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है इसमें क्या हुआ था कि एक फोटो पब्लिश हो गई थी जहां पे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी ब्रिज फीडिंग कर रही थी और उनका जो ब्रिज था वो मतलब साफ साफ दिख रहा था ऐसा करके कुछ इमेज पब्लिश हो गया था तो अफसी माना गया था इसको हाँ केला हाईकोर्ट ने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया कि क्या बात कर रहे हो आप दो हजार अठारह के जमाने में कैसी बातें कर रहे हो ब्रिज फीडिंग इज समथिंग दैट को उसको माँ के नजरिए से देखो ना आप क्यों उसको इस तरह नजरिए से देख रहे हो जो आप आपका नजरिया बदलो ना वो कहते हैं ना सोच नजरिया अपनी बदलो आप किसी चीज़ को देखने का नजरिया जब आप बदल लेते हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है बहुत बुरी भी हो सकती है तो नजरिया बहुत मैटर करता है केरलाई कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि ब्रिश फीडिंग वुमेन ऑन ए मैगजी कवर कैनॉट भी कटेगराइज ऑफ सीन इन टूडेज वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी को मैं बोल सकते हैं कि आज अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उनका ब्रिस्ट दिख रहा है विजिबल है तो आप उसको कह दो कि ऑपसीन होगा टोटली अग्री विद स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं कह सकते अपना नजरिया बदलो आप यू शुड नॉट आपको इस, इस इमेज के जानते हो जब ये इमेज आई थी ना तो उसमें नीचे लिखा हुआ था डोंट स्टेयर इफ अ वन इज ब्रेस्ट फीडिंग अ चाइल्ड डोंट स्टेयर देम सपोर्ट देम अपना उनको उसको घूरो मत अपना नजरिया बदलो ये लिख के आया था ये स्लोगन नीचे इस तरीके से अवेयरनेस के परस्पेक्टिव से एक ऐसे जो इंपॉर्टेंट केस है मकबूल फिदा हुसैन वर्से राजकुमार पांडे दिल्ली हाईकोर्ट दो हजार आठ का जजमेंट है अभी मैंने आपको बोला ना कि मान लो कोई मदर इंडिया को अगर पब्लिश किया गया है न्यूड फोटोग्राफ से तो उसको क्या बोलेंगे वो यही केस है मकबूल फिदा हुसैन वैसे राजकुमार पांडे जाने माने व्यक्ति हैं सब आपको पता होगा इसमें क्या हुआ था कि जो भारत माता इंडिया जिसको बोलते हैं भारत माता बोलते हैं उनकी फोटो उनकी जो एक पेंटिंग बनाई गई न्यूड पेंटिंग बनाई गई बिल्कुल भारत माता की और उनके बॉडी पार्ट्स पे इंडिया को दिखाया गया बालों पे हिमालय को दिखाया गया आंखों से आंसू निकलते दिखाया गया उनके बॉडी के हर पार्ट्स पे कुछ ना कुछ चीज़ों को दिखाया गया ओवरऑल इट वाज लाइक इंडिया कंप्लीट इंडिया बट वो जो भारत माता थी वो न्यूट थी कुछ पहने हुए नहीं थी वो ऐसा करके दिखाया गया फिर वो प्राइवेट कॉन्टेक्ट किसी चीज़ को बेचा गया प्राइवेट पहले प्राइवेट वेबसाइट पर अवेलेबल था फिर वो प्राइवेट एक कलेक्टर को बेच दिया गया वो चीज़ों को फिर मान लो पे फिर वो ऑक्सीजन के लिए आती है तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बात पहुँच गई दिल्ली हाई कोर्ट में बात पहुंची तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट हमारे आज के 2008 में क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन इसलिए नहीं बोल सकते इसके पीछे के मोटिव को समझिए जिनको आप भारत माता कह रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप भारत माता कह रहे हो अगर उनकी फोटो आपके सामने एक न्यूड पेंटिंग बनाई गई है तो हाउ कैन इट जनरेट अ काइंड ऑफ प्रूरियंट इंटरेस्ट अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन्यूमन बींग कैसे जनरेट कर सकती है बताओ आप कभी नहीं कर सकते बिकॉज यू आर सींग भारत माता और उसमें वो जो तो दिखाई गई वो इंडिया की एक्चुअल कंडीशन को दिखाई गई है कि एक महिला की इंडिया में स्थिति क्या हो सकती है हाउ विमेन क्राइज हम देश को भारत माता बोलते हैं उसके बावजूद हमारे देश में पॉवर्टी इतनी है ये सारे इशूज हैं सो दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग सो मच द इंटरनल ऑस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री सो डोंट लुक द थिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आर्ट को आर्ट के नज़रिए से देखो एक आर्टिस्ट के नज़रिए से देखो अब आप आप ऑप्शन में गए हो मान लो पेंटिंग के तो आप आर्टिस्ट हो तभी आप गए हो ना आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तभी गए हो आप कोई नॉर्मल ह्यूमन बिंग टूटकर नहीं चला गया जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो आर्टिस्ट आर्ट के ऑक्शन में जा रहा है भारत माता की तस्वीर खरीद रहे नहीं आर्ट को आर्टिस्ट के नजरिए से देखिए और सेक्शन 294, 298 पता नहीं क्या क्या लगा लगा दिए गए थे इसमें आईपीसी को बोला कहीं से भी ये सब नहीं होता किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को यू नो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता तो ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया भारत माता रिलीजियस तो है ही नहीं बिल्कुल तो रिलीजियस सेंटीमेंट को नहीं करता कहीं से भी उसके अलावा कोई भी ऐसी यू नो सिचुएशन को जनरेट नहीं करता कोई बिहेवियर जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है उसको जनरेट करता है ओवरट बिहेवियर जिसको बोलते हैं और एक प्राइवेट वेबसाइट पे अवेलेबल हर लोग नहीं जा सकता उसके ऊपर आप अगर आपको इंटरेस्ट है आप आर्ट के वेबसाइट पे जा रहे हैं मतलब आपको आर्ट में इंटरेस्ट है और आपको आर्ट art के आर्टिस्ट को आर्ट के नजरिए से देखना चाहिए ठीक है और जो उसने बोलना चाहे डिस्टेज वूमेन वही सब चीज़ें हैं अशोक चक्र को लोग कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसे पोजिशन पर दिखाया गया जो भारत की बेजती कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था देर इज नो पोजिशन इन द ह्यूमन बींग मैन फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कोई पोजिशन थोड़ी होती है वो इट्स अ बॉडी पार्ट्स नॉर्मल बॉडी पार्ट्स आपके अंदर वो चीज़ हारमोन्स कम ही होती है वो वो चीज़ उनमें ज्यादा होती है वो चीज़ आप में कम होती है इस इस नजरिए से देखो ना इस चीज़ को अब इसको आप कह रहे हो कि अशोक चर उस बॉडी पार्ट्स पे दिखाया गया तो दिल्ली को बहुत रगड़ा था इस जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता आर्टिस्ट को आर्ट के हमेशा इन चीज़ों को आर्ट के नजरिए से देखो पीछे के बैकग्राउंड को समझिए रेशनल को समझिए सारे मुद्दों को ऑल टूगेदर खारिज किया गया तो आपका जो सवाल है बात को समझिए मकबूल फिदा हुसैन बर राजकुमार पांडे वाला केस आपको लिखना है और सारी बातें लिखनी है आपको ये सब जो मैंने अभी आपको बोला ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं अब बात को समझिए सेक्शन 66 सिक्स ई सिक्सटी सेवन बी को समझेंगे पनिशमेंट फॉर वायलेशन e ऑफ प्राइवेसी हुए इंटेंशनली और नोइंगली कैप्चर्स पब्लिसेज और ट्रांसमिट्स द इमेज ऑफ अ प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विथाउट हिज और हर कंसेंट देखिए एजेंडा न्यूट्रल है यही चीज़ जब आप पढ़ते हो आईपीसी में तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है वेमन सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर वेरिज्म आपको याद हो तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला होनी चाहिए वो वो प्राइवेट उनका बॉडी उनका प्राइवेट स्पेस कुछ भी हो सकता है जब वॉशरूम हो सकता है लेबोरेटरी हो सकता है कुछ भी यूज कर रही है जहाँ पे उनके बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट नॉर्मली नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स को ना पब्लिकली नहीं दिखता वो वहाँ पे अपने आप को वो सॉव कर रही हैं हो सकता है वो नहा रही हैं हो सकता है कुछ भी हो रहा है तो उसको प्राइवेट स्पेस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ लॉ अब इस चीज़ों को अगर उनकी उस इन प्राइवेसी को वायलेट करो तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा फॉर एग्जाम्पल चाहे आप उसको उसका फोटो खींच लिया उस चीज को फिर उसको ट्रांसमिट कर दिया आपने कैप्चर कर लिया आपने उनके प्राइवेट एरिया मीन्स द नेट और अंडर अंडर गारमेंट ग्लैड जेनिटल्स पब्लिक एरिया बटक्स और फीमेल ब्रिस्ट इन सबको क्या बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स प्राइवेट प्राइवेट एरिया बोलते हैं पब्लिश आपने उस चीज को क्या कर दिया पब्लिश कर दिया प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कर दिया उसको आपने पब्लिकली अवेलेबल करा दिया इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे वायलेटिंग प्राइवेसी इसका पनिशमेंट है सेक्शन सिक्सटी सिक्स ई ये हुआ आगे चलते हैं अभी जो समझाता हूं वो इंपॉर्टेंट है ए देखिए थ्री फिफ्टी फोर सी जब आप देखोगीजम इसमें लिखा हुआ एनी मैन एनी मैन कोई भी लिखा हुआ वाचेज और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ बीमेन इंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट इन सर कमस्टान सी हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बींग ऑब्जर्व जहां उनको पता है कि कोई उनको देखेगा नहीं नॉट बिंग ऑब्जर्व फॉर एग्जाम्पल कोई वॉशरूम यूज कर रही है तो उनको पता है कि कोई इसमें ऑब्जर्व एक्सपेक्ट करती है कि वो उनको देखेगा नहीं इधर बाय द पर्पट्रेटर बाई एनी द पर्सन द बेहेस्ट ऑफ द और डिसिमिनेट सच इमेज सेल पनिस्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन कितना एक साल से कम नहीं और तीन साल तक बढ़ सकता है फिर बाद में चीजें और एक्सटेंड हो जाती हैं सात सालों तक प्राइवेट एक्ट आपको पता है एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस इन सरकमस्टांसेज वुड रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइवेसी एंड वेन दिक्टीम्स जेनिटल्स पोस्टेरियर और ब्रिस्ट आर एक्सपोज और कवर्ड ऑनली इन अंडर और द वक्टम इज यूज अ लेबोरेटरी और द वक्टम इज डूइंग सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट ऑफ अ कांड ऑफ ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक कोई अगर पब्लिक प्राइवेट स्पेस में किसी के साथ नो सेक्सुअल uh, एक्टिविटी कर रही हैं इट्स एक्सपेक्टेड कि आप उनका फोटो नहीं खींचो क्लिक नहीं करोगे उसको ट्रांसमिट नहीं करोगे पब्लिश नहीं करोगे ये सारी चीज़ें उनकी प्राइवेसी को क्या करती हैं uh, वायलेट करती हैं पर अंतर क्या है थ्री फिफ्टी फोर जो है आई पी सी का बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक है आई टी एड का सिक्सटी सिक्स ई क्या है जेंडर न्यूट्रल है और इसमें एक्सप्लेनेशन टू में भी कहा हुआ है कि अगर वो कंसेंट देते भी हैं कि ठीक है यू कैन क्लिक द पिक्चर वाई हैविंग सेक्स आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते जो कि इंडिया में आजकल बहुत होता है तो प्लीज़ माइंड इन चीजों को प्राइवेट स्पेस में नो पिक्चर नो क्लिकिंग नॉट एट ऑल डोंट डू दिस अगर ह्यूमन अगर आप लड़का हो तो प्लीज मत करो लड़की हो तो अलाउ मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एनी जेंडर यू बिलोंग्स तो डोंट डोंट अलाउ इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी डेंजरस राइट नाउ इन टूडेज वर्ल्ड ठीक है इट्स अ सजेशन दैट आई एम सेइंग ऑल चलिए सेक्शन सिक्सटी सेवन को समझेंगे सिक्सटी सेवन ऑफ आई टी एक्ट क्या कहता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ सीन मेटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर बात को बुझ गए अरे बुझे समझे बात को अब यहां पे हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म समझ में आप आपको समझ में आया बात क्या कह रहा हूं मैं आईपीसी में कहता है यही फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म छोड़ के नॉर्मल फॉर्म्स में पब्लिशिंग बुक्स वगैरह एंड ऑल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और जहां भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आएगा वहां आई टी एक्ट ही लगेगा दोनों है तो दोनों लगाइए मान ली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रिंट फॉर्म में भी है तो दोनों लगेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आई टी एक्ट ही लगेगा वहां पर आई पी सी नहीं लगेगा वहां पर एक केस हुआ हुआ एक अभी मैं बताऊंगा सेम चीज है ले सीबीएस कुछ भी चेंज नहीं है बस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया है पहली बार करने पे आपको ऐसा कन्विक्शन करने पे आपको तीन साल तक की सजा है जो पांच लाख तक जुर्माना भी हो सकता है बाद में ऐसा करने पे पांच साल तक का सजा हो सकता है और दस लाख तक जुर्माना हो सकता है सिक्सटी सेवन ए क्या कहता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मेटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट सिक्सटी कहता है ऑबसीन मेटेरियल ऑबसीन मटेरियल, ऑप्शन का मैंने पूरा आपको लिखा जोखा बता दिया 67 में साफ-साफ कहता है कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट होगा अगर उसका आपने उसका पब्लिश करा ट्रांसमिशन करा पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑनली पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग याद रखिएगा सिर्फ पब्लिश किया ट्रांसमिट किया कैप्चरिंग की बात नहीं हुई यहां पर यू कैन कैप्चर योर सेक्सुअली एक्सप्रेसिड एक्ट फॉर एग्जाम्पल आप जब सेक्स कर रहे हो यू आर पार्टनर यू कैन कप्चर दट मोमेंट दैट्स नॉट नॉट ओके दैट मतलब दैट इज नॉट प्रब्लम प्रॉब्लम एट ऑल बट उसको पब्लिश नहीं कर सकते ट्रांसमिट नहीं कर सकते अगर कंसेंट दिया हुआ भी है तो भी नहीं कर सकते आप अकॉर्डिंग टू सिक्सटी सेवन जो भी मैंने आपको अब आपको बताया जो थ्री फिफ्टी फोर का वेअरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आई पी सी लग जाएगा तो यू कैन कैप्चर योर सेक्स सेक्सुअली एक्सप्रेसिट एक्ट और उसको पब्लिश और ट्रांसमिट नहीं कर सकते अरे बात को समझ रहे हो आप सेक्शन 67 बी यही चीज चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आ जाती है सेम कॉन्सेप्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी में अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताता हूं अगर 18 साल से नीचे के बच्चे हैं वो चाइल्ड हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल और उनको सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट में इन्वॉल्व करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी है समझ रहे आप उसके केस सिक्सटी सेवन ए केस में जो यहाँ पे तीन लाख था ना यहाँ पे सीधा मतलब तीन साल का था ना जजमेंट क्या बोलते हैं सजा वो डायरेक्ट पाँच साल तक हो सकती है बढ़कर दस लाख तक का जुर्माना बाद में सात लाख बढ़ के दस लाख का जुर्माना जो भी मैंने आपको बताया उसमें दो साल और तीन लाख जुर्माना बढ़ जाता है ठीक है सिक्सटी सेवन बी को समझिए पब्लिसेज हुए पब्लिशेज और ट्रांसमिट्स और काउजेज टू बी बब्लिश और ट्रांसमिटेड मेटेरियल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच डिपिक्ट चिल्ड्रेन इंगेज इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट और क्रिएट टेक्स्ट और डिजिटल इमेजेस जो मॉर्फ इमेज बोलते हैं ना मॉर्फ कर देते हैं इमेजेस को बच्चे अगर इन्वॉल्व हैं उस इमेजेस में तो भी पाप है ये मतलब पाप तो नहीं है मतलब कानून अंजुर्म है ये ह्यूमेनिटी के नजरिए से तो पाप है ही कलेक्ट्स सिक्स ब्राउजेस डाउनलोड्स एडवर्टाइजेस प्रोमोट्स एक्सचेंजेस और डिस्ट्रीब्यूट्स मटेरियल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपेक्टिंग चिल्ड्रन इन ऑप्शीन और इनडिसेंट और एक्सप्लिसिट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैनर इस बर्ड को ध्यान दे लीजिएगा सिक्सटी सेवन बी बी ये पूछा हुआ है क्या क्या टेक्स्ट क्रिएट करना डिजिटल इमेज क्रिएट करना कलेक्ट करना सिक्स ब्राउजिंग डाउनलोडिंग एडवर्टाइजमेंट प्रोमोटिंग एक्सचेंजेस और डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं आगे कल्टीवेट इन और इंड्यूस चिल्ड्रेन टू ऑनलाइन रिलेशनशिप विथ वन और मोर चिल्ड्रेन फॉर एंड और सेक्सुअली एक्सप्रेसिट एक्ट और इन अ मैनर दैट मे ऑफेंड ए रीजनेबल एडल्ट ऑन द कंप्यूटर रिसोर्स और फैसिलिटेट्स अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन और रिकॉर्ड इन ने ली एक्ट्रॉनिक फॉर्म ओन दैट ऑफ द अदर्स परमिटिंग टू सेक्सुअली एक्ट विद चिल्ड्रन ये सारी चीज आप सब समझ रहे हो सेल्फ पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन कितना हो सकता है पांच साल तक बाद में दस लाख साथ में लाख जुर्माना अगर बाद बार बार ऐसा करते हो तो सात साल दस लाख तक, तक जुर्माना प्रोवाइडेड सेम चीजें लिख रखी है यहाँ पे वही जो आईपीसी में लिख रखा था कि अगर वो रिलीजियस पर्पजेज के लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है पेंटिंग वगैरह है तो उसको कुछ नहीं बोल सकते साइंस लिटरेचर चिल्ड्रेन मतलब अठारह साल से नीचे को गए। तो गए बात को समझिए इंडिया जो है इंडिया जो है साइनेट्री है किसका कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड हैविंग कन्वेंशन हुआ था मतलब इस पे क्या नाम है ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रेन एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुआ था उसका भारत ने क्या क्या हुआ एनी रिप्रेजेंटेशन बाई वीन्स ऑफ अ चाइल्ड बाई वट एवर मीन्स ऑफ अ चाइल्ड का कोई भी रिप्रेजेंटेशन इंगेज इन रियल और सिम्युलेटेड एक्सप्लिस सेक्सुअल एक्टिविटीज और एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड फॉर प्राइमरी सेक्सुअल एक्सपोजर्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलते हैं ये जो कन्वेंशन हुआ था ना कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन और उसके जो अंदर एक प्रोटोकॉल निकल के आता है ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द यू नो यूज ऑफ चिल्ड्रेन चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी उसके कन्वेंशन you know, child पर क्या बोलते हैं भारत का जो डेफिनीन है वो इंपॉर्टेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का माना जाता है वैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सारी चीज जो डिफिनशन दिया वहाँ पर ब्राउजिंग सिकिंग जो भी है उसमें अगर इन्वॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे चाइल्ड चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो सेक्शन 67 बी को अमेंडमेंट में करके सेक्शन 67 ए को अमेंडमेंट करके 2008 में स्पेशल एड किया गया था इतना ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ गए थे सब एनी काइंड ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज क्रिमिलाइज इन इंडिया एनी काइंड कर ही नहीं सकते आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसलिए बार बार आप जब देखते हो कोई भी बिल आता है कोई भी रूल्स रेगुलेशन आता है उसमें बार बार कहता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक्सप्लेन क्या कर रखा है कंप्लीटली बन बैन कर रखा है इंडिया में क्रिमिनलाइज कर रखा है इंडिया में ठीक है अब कुछ केसेस को देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट है अब आप बात को समझिए सिक्सटी वगैरह में कहीं भी ये नहीं कहा है कि नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो मान लो कोई ऑप्शन शेयर कर रहे हो कुछ भी ऐसा शेयर कर रहे हो तो नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है तो ऐसा माना जाता है कि आपके पास नॉलेज प्रिजम्पन ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट ऑलरेडी इट इज ज की बात वहां पर अब एक केस बताता हूं आपको स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुरू में क्वेश्चन बताया था कि एक लेडी है डिवोर्सी है एजुकेटेड है उनका अचानक से मैसेज वगैरह आने लग गया ईमेल वगैरह आने लग गया जस्ट कमेंट ली बिथ मी एंड एंड ऑल एंड ऑल जो भी मैंने आपको बताया था केस आपका है वह सवाल है वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्षे सुहास कट्टी का केस है उसे सोचिए दो का केस है हुआ क्या था जो बंदा था उसने क्या करा कि किसी को प्रपोज करा था कॉलेज टाइम में रिजेक्ट हो गया था बाद में उससे बदला लेने के लिए उस लड़की से उसके उसके अकाउंट से एक फेक आईडी उसी के नाम से फेक एक आईडी बनाया फेक आईडी बनाया ईमेल आईडी सब कुछ दिया उसी के नाम से और मोबाइल नंबर वगैरह कहीं से उसको मिल गया होगा जो भी है और उसको उसने दे दिया इमेजेस वगैरह पब्लिश कर दिए उसके और लोगों को मिल गया एक साइट पर ये सब चीज़ें आज की दुनिया में तो नॉर्मल सब चीज़ें हैं उसको कॉल मैसेज आने आने लग उस लड़की को वो जो लेडी थी मैसेंजर ग्रुप्स करके बनाया गया उसके ऊपर तो क्वेश्चन होगा इसमें साफ साफ कोर्ट ने कहा बिल्कुल होगा क्योंकि बंदा एमएनसी में काम करता है उसको नॉलेज है कि वो क्या करना चाह रहा है उसके पीछे का मेन रिया भी देखा गया कि साफ साफ बिना देखो रिया मैटर ही नहीं करता केसेस में अगर आप ये कर रहे हो इट मींस यू नो द थिंग्स वेरी वेल एक दो साल का बच्चा तो कभी नहीं कर सकता ना वेबसाइट पे जाके मॉफ्ट करके इमेजेस भेज रहा है डाउनलोड कर रहा है चाइल्ड फोनोग्राफी कर रहा है नो यू मस्ट बी नोइंग ऑल द थिंग आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो सो द इमेज जो नॉलेज का ऑलरेडी पता है कि आप नॉलेज प्रिज्यूम किया हुआ है कि आपको पता है सारा कुछ तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्ष सुहास कट्टी के केस के के में यही हुआ था दवा के सजा दी गई थी इसको पांच के अंदर दो के अंदर फिर इसके अलावा सेक्शन सिक्सटी के अंदर बहुत सारे केसेज में दी गई सजा इसको साफ साफ बोला गया बहुत गलत किया है जो उसकी उसको जो मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा डिफेमेशन हुआ सारी बातों पे सेक्शन 67 के अंदर उसको क्या किया गया सजा सुनाई गई बात को समय बहुत सिंपल सा केस था तो अगर ऐसा कुछ आपको जो केस आया था उसमें सुहास कट्टी वाला ही केस आपको देना था लास्ट का दो केस देख लेते हैं बहुत आसान है अविनाश बजाज वर्सिय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एक केस है इस केस में हुआ क्या था ऐसे था कि अभी अभी जो डब्ल्यू आप जानते हो वेबसाइट है पहले डब्ल्यू करके एक कंपनी थी उस पर क्या होता था जैसे आजकल नहीं कुछ अपनी कंपनी कुछ बेच रहे हो जैसे अमेजॉन वगैरह हो सही करके एक था कंपनी तो उस पर एक सेलिंग का मार्केट का एक मैकेनिज्म था उस पर किसी ने गर्ल्स कॉलेज के कुछ बच्चों के जो वीडियोस थे उसको लिख करके एक वीडियो फॉर्म में डाल दिया था उसका नाम दिया था डी पी एस गर्ल्स हैविंग फन करके आ, सेल कर रहे थे वो उस उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर डी पी एस गर्ल्स हैविंग फ़न ऐसे करके एक टाइटल के उसके नीचे उस टाइटल के तले सब कुछ शेयर कर रहे थे दमादम लोगों ने खरीदा इसको बहुत ऑब्वियस चीज़ है जब उनको दिख गया कि नाम में ही साफ सब दिख रहा है तो ये जो विनाश बजाज थे उसमें सीई ओ थे उस कंपनी के और बाद में शरद भाबू दिगू मूर्ति उसके जो एम थे ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची एस मुरलीधरन बहुत अच्छे जज थे आपको पता है अभी उड़ीसा उड़ीसा हाईकोर्ट का आई थिंक जीफ चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मुरलीधरन मुरलीधर जो थे उन्होंने बोला कि हम जो है वो ियस लाइबिलिटी को देखेंगे यहां पर कंपनी को सू नहीं किया गया था यहां पर याद रखिएगा कंपनी के लोगों को सू किया गया था विनाश बजाज शरद बाबू दिगमूर्ति रविराज इन सबको क्या किया गया था सू किया गया था कि आपके आपके वेबसाइट से सब चीजें हो रही मतलब आप सब लाइवल हो कंपनी एज अ होल को नहीं किया गया था तो इसी में एस मुरलीधर साहब ने कहा कि भले ही कंपनी को नहीं किया गया पर जो बंदा उसमें रिस्पॉन्सिबल है जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा हूं द बिहाफ ऑफ द कंपनी बह गैरिस लाइबिलिटी उनके ऊपर आती है और उनको उनको सारी चीज़ों पर क्या किया गया लाइबिलिटी दी गई थी क्योंकि उन्होंने बोला कि जो नाम दे रखो ना डीपीएस गर्ल्स हैविंग फन उनसे कोई भी उस चीज को खरीदेगा और आज के जमाने में उसको शेयर करना बहुत आसान है फटाफट शेयर हो जाएगी आज की दुनिया में पूरी दुनिया में पता नहीं कहां कहां शेयर हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद तो आपका जो लिंक है ना आपका जो वेबसाइट है वो इंटरमीडियरी का काम कर रहा है वो और वो सपोर्ट कर रहा है और वो दे रहा है एक मौका दे रहा है लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है लोगों को खरीदने का तो इसकी प, अपीलिंग की गई सुप्रीम कोर्ट में अविनाश बजाज के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ऐसा है भले ही कोर्ट आ, मतलब कंपनी को सू नहीं किया गया पर अविनाश बजाज एज अ इंडिविजुअल पर्सन उसको हम नहीं बोल सकते इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं बोल सकते रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने कुछ और बातें कही कि ये जो इंस्ट्रूमेंट को आप देखिए जो मैकेनिज्म है उसको समझिए कि जो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द कंपनी बाय एन एक्सप्रेस कंडीशन प्रेडिशन टू अट्रैक्ट द लाइबिलिटी ऑफ अदर्स इन चार्ज ऑफ द कंपनी हिंस सिंस कोई भी केस कंपनी के खिलाफ नहीं बनाया गया है तो अविनाश बजाज को नहीं बोल सकते हैं। तो कंपनी एज अ होल रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और कंपनी को आपने शू नहीं किया तो अविनाश बजाज को होना नहीं चाहिए ये सेम चीज भरत शरद बाबू दिगुमूर्ति के में भी बोला गया कि शरद बाबू दिगुमूर्ति एज अ एम डी वो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कोर्ट सेड दैट वाई केरियस लाइबिलिटी कैन नॉट बी फास्ट एंड टू अविनाश बजाज एंड ही कैन नॉट कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी अंडर द आई एक्ट

292 के प्रोविजन्स हटा दो आईपीसी के 294 के प्रोविजन लगाओ आईपीसी के उसके बेसिस पे अब एक्ट कोर्ट कोर्ट में सारा मतलब प्रोसीडिंग चलेगा तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या बात हुई यार जब आपने सिक्सटी सिक्सटी सेवन ही हटा दिया और बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो रही है तो फिर टू नाइन्टी टू टू नाइन्टी फोर का क्या मतलब बनता है ओवर पावर है सेक्शन एटी एटी वन ऑफ द आईटी एक्ट ओवर करेगा चीज़ों के ऊपर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात हुई है तो देयर इज नथिंग टू डील विद आई पी सैक्शन टू और टू तब तो आपने टू नाइन्टी टू हटा दिया सिक्सटी सेवन 67, 67 को हटा दिया तो 292 294 का कोई मतलब ही नहीं बनता ये कहकर साहब को क्या कर दिया रिहा कर, कर दिया गया वैभव जैन का केस देख लो वाइस चांसलर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय लास्ट केस है ये ऐसा बंदे हैं कुछ वैभव जैन के साथ कुछ और दोस्त थे इन्होंने गर्ल्स कॉलेज के, के कुछ वीडियोज वायरल कर दिए उनके मॉवड इमेजेस करके वायरल कर दिए और ये बातें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को पता चला रिसर्च हुई पूरा मैकेनिज्म बैठा नेचुरल जस्टिस का फुल फुलफिलमेंट हुआ पूरा उनको मौका दिया गया सब बंदों को बोलने का पूरा इंक्वायरी बैठा था इंक्वायरी में देखा गया कि कहाँ से लीक हुई क्या क्या हुआ तो बाद में पाया गया कि कॉलेज के कुछ बच्चे कुछ लोग हैं उनको उन सब इन्वॉल्व थे इसमें क्लास एट क्लास नाइन्थ के जो भी बच्चे हैं उनको यू नो उन्होंने काफ़ी हद तक जो क्या करा है कुछ गर्ल्स गर्ल्स बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इमेजेस मॉफ्ट करके शेयर किया है तो बाद में कोर्ट में जब पहुंचा तो वैभव जैन को कोर्ट ने बोला कि देखो तुम यार तुम्हारे सारे नेचुरल जस्टिस के रूल्स फॉलो हुए तुमको मौका दिया गया बोलने का उसके बाद जो ऑर्डर पास किया गया वो सब कुछ मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद किया गया है कि इन बच्चों को रेस्टिकेट कर दिया जाए एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए एंड प्रायर एक्शन्स लिया गया सिक्सटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं तो वैभव जैन का जो एक मुद्दा था उसको भी कोर्ट ने क्या कर दिया सीरियस से खारिज कर दिया ठीक है ऑब्वियस बात है आप जब सब को सबको आपको फॉलो करें ऑडिगम बॉटम का यहाँ पे कॉन्सर्ट फूला हो रहा है आपको सब मौका दिया गया आपने आपको जस्टिफाई करने का उसके बाद देर इज नथिंग लेफ्ट उसके बाद वाइस चांसलर ने जो जजमेंट दिया वो बिल्कुल सही दिया है ऐसा केस मैंने आपको ऑरडी एक बार बता रखा याद करो कौन सा केस है क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा वो केस ठीक है दैट्स ऑल आपको शाम तक दूसरी वीडियो मिल जाएगी सेवर स्टॉकिंग सेवर टेडिजम एंड ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लविंग मी थैंक्स थैंक्स अलॉट